हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो। स्वागत करते हैं आपके एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में एसेंचर के अगेन दो क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला, जो कि अभी रिसेंटली पूछी थी एसेंचर ने। तो उन दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, डीएससी के प्रॉब्लम है वो दोनों प्रॉब्लम। यार मैं आपको तीन लैंग्वेज के थ्रू बताऊंगा, ठीक है? जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा वो पाइथन में करूंगा। बाकी डिस्क्रिप्शन पे आप लोग को एक पीडीएफ अटैच कर दूंगा, उस पीडीएफ में आप लोग को सी प्लस प्लस और जावा के भी सोल्यूशन मिल जाएंगे। दोनों क्वेश्चन के लिए मैं सेम करूंगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो अगेन असेंजर के अगेन कोडिंग क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आऊंगा, ठीक है? और अगर आप लोग चेकआउट नहीं किया है प्लेलिस्ट को, इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लो, जिसमें मैंने असेंजर के पूरा डिटेल रोड मैप से लेकर हर एक क्वेश्चन को डिस्कस किया। जो जो टेस्ट पेपर अभी रिसेंटली पूछ रहे हैं असेंजर, वो सारा कुछ डिस्कस करो, जाके चेक करिए प्लेलिस्ट को और देखिए, ठीक है? बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ठीक है यार, स्क्रीन पे आ गए हैं और देखते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम क्या कह रही है। यहाँ पे प्रॉब्लम आप लोगों को शायद विजिबल ना हो, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। जूम करने के बाद आप लोगों को क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या बोले, क्वेश्चन का जो नाम है यहाँ पे स्नैक वाटर गन, ये प्रॉब्लम का नाम है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यू हैव ए गिवेन वन स्ट्रिंग, हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन है, विच कंटेन मूव्स प्लेयर बाय टू प्लेयर सिक्वेंशियली, ठीक है, इन अ गेम कॉल्ड स्नैक वाटर गेम। द रूल ऑफ द गेम आर फॉलोड, कुछ रूल हैं इस गेम के, उस रूल को हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। स्नैक बीट वाटर, ठीक है, और वाटर बीट गन, गन बीट स्नैक, ये तीन रूल हैं, ठीक है। द मूव्स प्लेड बाई प्लेयर ए एंड द मूव्स प्लेड बाई प्लेयर बी इन द फर्स्ट राउंड विल बी स्टोर इन अ स्ट्रिंग स्नैक वाटर, ठीक है। सिमिलरली द सेकेंड राउंड द मूव्स विल बी स्टोर इन ए स्नैक वाटर गन स्नैक, ठीक है, कुछ ऐसा हमारे पास। अभी तो मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊँ, अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, मैं बता दूंगा क्या है, ठीक है। देयर आर टोटल एन राउंड्स, हमारे पास कुछ राउंड दिए होंगे एक प्लेयर का, दैट आर प्लेड इन अ गेम। योर टास्क इज टू फाइंड द रिटर्न इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंटिंग हाउ मेनी राउंड प्लेयर ए विल विन, भी दो प्लेयर है, प्लेयर ए को कितनी बार जीता है वो बताना है। अब यहाँ पे कुछ इनपुट के फॉर्मेट देख लेते हैं इनको। यहाँ पे बताया इन्होंने कि इनपुट जो है एन रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ राउंड को, दूसरी जो इनपुट दी होगी वो एक स्ट्रिंग दी होगी जो हमारा पास जो होगी मूव करेगा प्लेयर बाय टू प्लेयर के लिए, ऐसा स्ट्रिंग दी होगी, ठीक है। अब कुछ कैसा दी होगी यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। अब हमें क्या रिटर्न करना है, रिटर्न द इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंटिंग हाउ मेनी राउंड प्लेयर ए विन द गेम। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, यहाँ पे एक इनपुट दिया है, इनपुट थ्री है, और आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट दिया वाटर गन वाटर गन वाटर गन, ऐसा गन वाटर ऐसा करके दिया है। तो देखो यार इसको क्या कह रहा है वो मैं एलिब्रेट करता हूँ। देखो इन्होंने बोला स्नैक बीट वाटर, मतलब स्नैक बीट करेगा वाटर को, और वाटर बीट स्नैक, सॉरी वाटर बीट करेगा किस, सॉरी वाटर बीट करेगा किसको, वाटर बीट गन, वाटर किसको बीट करेगा, गन को करेगा, और तीसरा गन बीट स्नैक, गन जो है बीट करेगा स्नैक को। अगर ये है, अब देखो इसमें इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला है ये ए है, पहला प्लेयर है, और दूसरा जो है प्लेयर बी है। यहाँ प्लेयर ये ए है, ये प्लेयर बी है, ये प्लेयर ए है, ये प्लेयर बी है, तो हमें बताना है प्लेयर ए कितनी बार जीतेगा। देखो यहाँ पे पहला प्लेयर ए हो गया, नहीं दिख रही होगी आई थिंक, यहाँ पे देखो पहला प्लेयर ए हो गया वाटर, दूसरा क्या है गन है प्लेयर बी, तो क्या वाटर बीट गन है कहीं, बोला वाटर बीट गन है, बोला यस है, तो हमारे पता चल गया एक प्लेयर जीत गया, मेरा प्लेयर ए जीत रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये काउंट करके रख लेंगे। अब आगे बढ़ता है, प्लेयर ए को वाटर दिया, प्लेयर बी को वाटर दिया, ठीक है, प्लेयर बी को, तो बोला वाटर बीट वाटर है, बोला नहीं है, तो बोला आगे बढ़ जाओ, फिर गन ए को गन दे दिया, बी को वाटर दे दिया, बोला गन बीट वाटर है, तो बोलता नहीं हमारे पास गन बीट वाटर नहीं है, वाटर बीट गन है, तो इसके इसलिए इसका आउटपुट जो है वन आया। आई थिंक आप लोगों को टेस्ट केस ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे इसके कुछ रूल लिखे होंगे, यहाँ पे नीचे देख सकते हो, यहाँ पे हेयर द थ्री राउंड ऐसे ऐसे करके लिखा है, सेम चीज जो मैंने बताया उसी को एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग को शायद समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं बताता हूँ। देखो हमारे पास क्या दे दिया है, आउटपुट, आउटपुट जो दिया है, सॉरी इनपुट जो दिया है वो क्या है, ठीक है, ये इनपुट दे दिया। अब देखो इसमें कुछ भी हो सकता है, अभी हमारे पास दो चीज़ें दिया, वाटर गन दिया, स्नैक ने, स्नैक भी स्ट्रिंग में डाल सकता है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले ये हमारे पास एक सिंगल स्ट्रिंग दिया, अब हमें बताना इसको सॉल्व कैसे करोगे। देखो यार ये सिंगल स्ट्रिंग है तो हमें स्ट्रिंग में ट्रेवर्स करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हमें एनी हाउ इस स्ट्रिंग को क्या करें, कुछ डेलामीटर लेने पड़ेगा कि हमें क्या क्या इस स्ट्रिंग में प्रेजेंट है, ठीक है। हमें पता है गेम में क्या क्या प्रेजेंट है, हमारे पास तीन चीज़ें हैं, तीन चीज़ें में क्या क्या है, एक है वाटर है, ठीक है, एक वाटर मिलेगा, एक जो मिलेगा एक गन मिलेगा, इसके डेलामीटर में बात कर लेता हूँ, एक जो मिलेगा वो मिलेगा स्नैक मिलेगा, ये तीन चीज़ें मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या करना, सबसे पहले चीज़ है, अब हमें पूरे स्ट्रिंग में ट्रेवर्स करना है, क्यों ना हम स्ट्रिंग को स्प्लिट करेंगे, ठीक है, तभी तो हम फाइंड आउट कर पाएंगे ना स्ट्रिंग को कैसे स्प्लिट करेंगे। देखो हमें पता चल जाए कि सबसे पहले वाटर मिल जाए, अब कैसे मिला, सबसे पहले अगर हमारा डब्ल्यू से स्टार्ट हो, अगर हमारे पास स्ट्रिंग में डब्ल्यू मिल जाती, ठीक है, स्टार्ट में जब डब्ल्यू मिल गया तो उसके पूरा चीज़ को ऐसे ले लेंगे, मतलब यहाँ से स्प्लिट कर देंगे, ठीक है, वाटर मिलेगा स्प्लिट कर देंगे,
फिर वहाँ पे गन मिलेगा, स्प्लिट करेंगे, मतलब एक स्प्लिट करके कुछ हम लोग ढूंढेंगे तभी तो हो पाएगा ये क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, अगर हमें ये मिल जाता है, मेन जो काम है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ना, उसको स्प्लिट करने का सबसे मेन काम है, मतलब स्प्लिट मतलब इसको डिवाइड करना, बाकी तो नेक्स्ट तो हमारे पास ईजी है। नेक्स्ट क्या कर लेंगे हमें, अगर हमें बस फाइंड हो जाए, हमारे पास ये एक स्प्लिट होके मिल जाए कि हमें ये चीज़ें मिल रही है एक स्ट्रिंग में, तो क्या हम फिगर आउट नहीं कर पाएंगे कि अगर हमारे पास जो है ये केसेस मिल जाएंगे, क्या है ये वाली स्नैक बिट वाटर लाल देंगे, जब स्नैक बिट वाटर हो, वाटर बिट गन हो और गन बिट स्नैक हो तभी मेरा ए को काउंट कर देंगे। बस ये सिंपल सा एक कंडीशन लगा लूप चला के लिख लेंगे, लेकिन उससे पहले का जो काम है हमें ये फिगर आउट करना है। इसको फिगर आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब देखो कैसे डिफिकल्ट है, इसको फिगर आउट कैसे करेंगे। देखो हमें क्या करना होगा, हमारे पास डेलीमीटर पता चल गया, ये चीज़ें इतने डेलीमीटर मिलने वाले हैं, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना इस डेलीमीटर के बेसिस पे। इस डेलीमीटर के बेसिस पे करेंगे कि हमें क्या, अगर हमारे पास स्ट्रिंग में कोई वाटर मिल रहा है तो ये बोलेगा हाँ वाटर मिल रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए ये बोला कि हाँ वाटर मिल रहा है, बोला हाँ वाटर मिल रहा है, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, उस एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं आपको, ठीक है। तो वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें स्नैक नहीं है, उसमें स्नैक ले लेते हैं, ठीक है। उसमें तीनों को काउंट करेंगे, तो हमें क्या ले लेते हैं, एक जो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं वो ले लेते हैं स्नैक, ठीक है। स्नैक ले लेते हैं, वाटर गन, ठीक है। ये एग्जांपल ले लेते हैं, इस एग्जांपल से हम समझाते हैं आपको तो बहुत इजीली समझ में आएगा क्योंकि इसमें तीनों चीज काउंट हुई है। देखो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास डेलामीटर तो ये सेम ही होगा, इतने ही डेलीमीटर हो गए क्योंकि तीन ही चीज यूज हो रहे। तो हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास जो है, जो स्टार्ट हो रही है स्ट्रिंग, जो स्टार्ट हो रही है, क्या स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है वाटर से, तो ये बोलेगा कि स्ट्रिंग में आएगा, बोलेगा वो स्ट्रिंग में वाटर से स्टार्ट हो रही, बोला नहीं वाटर से नहीं स्टार्ट हो रही, बोला ठीक है आगे बढ़ो। अब क्या गन से स्टार्ट हो रही है, बोला नहीं गन से भी नहीं स्टार्ट हो रही, बोला आगे बढ़ो। क्या स्नैक से स्टार्ट हो रही है, बोलेगा यस स्नैक से स्टार्ट हो रही है, तो बोला कहाँ पर स्टार्ट हो रही है, बोला हाँ स्नैक से स्टार्ट हो रही है, तो बोला ठीक है इसको तुम एक जगह रख लो कि हाँ स्नैक से मेरी क्या हो गई स्ट्रिंग स्टार्ट हो गई। अब जब स्नैक से स्टार्ट हो गई उसके बाद हमें हमें इतनी चीज़ें मिली, ठीक है, ये स्नैक वाली चीज़ें मिली है, तो बोला उसके बाद जब स्नैक मिल गई तो हम उसके आगे के चेक कैसे करेंगे, उसके आगे के चेक करने के लिए हमें जो स्नैक मिली उसका लेंथ कितना है उसको छोड़ो उसके आगे बढ़ो। मतलब हमने क्या बोला, हमने बोला जो ये मेरी स्ट्रिंग ले लो, ये एस नाम की स्ट्रिंग है, ठीक है। हमने बोला जो एस हमारी स्ट्रिंग है उसमें जो तुम्हें मिली है, ठीक है, एस वाली स्ट्रिंग में जो तुम्हें मिली है, क्या मिली है, जो भी तुम्हें मिली है उसका लेंथ निकाल लो, ठीक है। सपोज करो हमें ये ए मिल गई है, ए का लेंथ निकाल लिया हमने, ठीक है। ए के लेंथ के बाद इसको छोड़ो बाकी आगे के ले लो, तो ये बोल रहा है कि यहाँ से छोड़ो इसके आगे से स्टार्ट कर दो, तो ये हमें मिल गई इसका लेंथ तक। अब हम स्टार्ट कर देंगे, हमारे पास जो स्ट्रिंग बची उसको स्ट्रिंग को स्टोर कर लो, तो हमारे पास क्या स्ट्रिंग बची ये पता चल गया ना, इसके भाई पाँच लेंथ की, पाँच लेंथ के बाद की बाकी स्ट्रिंग हम रख लें क्योंकि हमें उसके पहले की मिल गई, तब बाकी हमारी अपडेटेड जो स्ट्रिंग बची है कुछ ऐसा बचेगा, हमारी अपडेटेड स्ट्रिंग क्या बचेगी, वाटर गन और स्नैक बचेगी, ठीक है। हमारे पास एक यहाँ पे स्नैक चला आया, ठीक है, ये मिल रहा है, मतलब हमने डाल दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे फिर, क्या वाटर से स्टार्ट है, बोला हाँ वाटर से स्टार्ट है, तो बोला ठीक है इसको काउंट कर दो, इसमें डाल दो कि भाई वाटर से मिल गया है, वाटर से स्टार्ट हो रही है स्ट्रिंग तुम्हारी, ठीक है, वाटर से स्टार्ट हो रही है। तो हम इसका लेंथ स्टार्ट करेंगे, कितना है, फाइव लेंथ मिला, तो फाइव के आगे का स्ट्रिंग ले लो बाकी छोड़ दो फाइव तक। अब देखो फाइव के आगे यहाँ तो इसको छोड़ देगा, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग ले लेगा, तो हमारे पास जो अपडेटेड स्ट्रिंग बनी वो क्या बनी, वो कुछ ऐसा बनी, वो बनी गन स्नैक बनी, ठीक है, गन स्नैक बनी। फिर से स्टार्ट करेगा, अब वही ब्रेक कर जाएगा, अगेन स्टार्ट होगा, क्या वाटर से स्टार्ट हो रहा, बोला नहीं, क्या गन से स्टार्ट हो रहा, बोला हाँ गन से स्टार्ट हो रहे हैं हम, बोला जब गन से स्टार्ट हो रहा है तो गन को ले लो, यहाँ पे डाल दो गन को, ठीक है, गन को डाल दो और यहाँ पे गन के लेंथ को छोड़ के बाकी के स्ट्रिंग रख लो, तो यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे बाकी के स्ट्रिंग रख लिया, तो मतलब हमारे पास क्या बचा, स्नैक बचा बस, ठीक है स्नैक बचा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो बोलता है क्या वाटर से स्टार्ट हो रही है, बोला नहीं, क्या गन से स्टार्ट हो रही है, बोला नहीं, क्या स्नैक से स्टार्ट हो रही है, बोला हाँ, तो बोला इसको स्टोर कर लो, ठीक है इसको स्टोर कर लो। अब हमने देखा कि हमारे पास स्ट्रिंग कोई बची नहीं, स्ट्रिंग इम्पटी होगी, तब तक हम एक वाइल लूप चलाएंगे जब तक स्ट्रिंग इम्पटी ना हो जाए, ठीक है। तो हमने ये केस मिल गया, हमें कुछ स्प्लिट करके हमें ये चीज़ें मिल गई, ठीक है ये चीज़ें मिल गई। तो अब तो आई होप आप लोग को बहुत क्लियर समझ में आ रहा होगा कि हमें चार चीज़ें मिली, तो इसमें कितना ईजिली होगा फिगर आउट करना। देखो फिगर आउट करना इट मीन्स कि अब हम सीधे एक लूप चलाएंगे, कहाँ तक, इसके लेंथ तक लूप चला देंगे, कितना लेंथ है, चार लेंथ तक चलाएंगे, ठीक है, वन टू थ्री फोर, फोर लेंथ तक लूप चलाएंगे। अब देखो लूप जो चलाएंगे ना उसमें हमें दो प्लेयर लेना, तो हम प्लेयर ए इसको लेंगे, अब प्लेयर बी इसको लेंगे, ठीक है। अब जब प्लेयर ए प्लेयर बी मिला तो हम
एक लूप जब चलाएंगे, ट्रेवर्स करेंगे, एक नहीं स्किप करेंगे, हम दो स्किप करेंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि हम दो दो काउंट, अब ये दोनों काउंट हो जाएगा तो फिर हम इन दोनों पे जंप करेंगे, ना कि ये दोनों के बाद ये दोनों करेंगे, ठीक है? हमें ये दोनों के बाद हमें यहाँ पे जंप करना है, ठीक है? तो हम सबसे पहले अब लूप को ट्रेवर्स करेंगे, अब हम ले लिए प्लेयर ए, अब इसको मैच करते हैं। क्या हमें अब बोल देंगे कि जो हमारा पहला प्लेयर है, प्लेयर ए स्नैक है, अब प्लेयर बी वाटर है, क्या पहला ए स्नैक और वाटर मिला? तो यहाँ पे चेक करो हमें किस किस केस में पॉसिबिलिटी थी। यहाँ पे देखो, स्नैक और वाटर, स्नैक और वाटर बोला, बोला यस स्नैक और वाटर मिले हैं, तो बोला कि तब ठीक है तुम काउंट को एक बढ़ा दो, ठीक है? एक काउंट हमने यहाँ पर रख लेंगे, वो काउंट एक हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, अब आगे बढ़ जाता है गन और स्नैक, क्या गन स्नैक को बीट कर रहा है कहीं पर? अब देख लो यहाँ पे गन बीट स्नैक है कहीं पे, गन बीट स्नैक है, बोला यस गन बीट स्नैक है, तो बोला ठीक है काउंट को और इंक्रीज कर दो, दो इसको दो कर दो अपडेट, तो इसका जो आउटपुट हो गया वो दो हो रहा है, ठीक है? तो इस केस में दो हुआ। अब ऐसी तरह सिंपल इस केस में भी करोगे, इस केस में भी वन आएगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैंने दिए पे होगा, बहुत ही अच्छे से समझाया होगा, ठीक है? अब बाकी कोड को भी लिखते हैं, कोड को लिखेंगे आपके सामने और कोड को भाई स्टेप बाय स्टेप करके एक्सप्लेन भी करेंगे, ये कोड क्यों ऐसे आ रहा है, इसका आउटपुट भी चेक करो। मैं सबसे पहले ये भी बता देता हूँ आप लोग को, ये भी बताऊंगा कैसे डीबग करते हैं कोई प्रोग्राम को लिखते हो, तो यहाँ तक लिखने के बाद चेक करो कि मेरी आउटपुट जो एक्सपेक्टेड थी वो आ रही है कि नहीं, सारा कुछ बताएंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन मैं बता रहा हूँ पूरा डिटेल में देखिएगा आप, ठीक है? चलते हैं अपने आइडियली पे और वहाँ पर इसको कोड करते हैं, जो चीज़ मैंने बताया उसको कोड करते हैं, ठीक है? चलो मैं स्क्रीन पे आ गया, अब देखते हैं हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी। अब सबसे पहले इसके डेलीमीटर को लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या डेलीमीटर मिलेंगे, ठीक है? एक डी नाम का वेरिएबल बना जो कि स्टोर करेगा इसके डेलीमीटर को, ठीक है? उसमें क्या क्या होगा, एक होगा मेरे पास वाटर होगा, ठीक है? एक होगा वाटर होगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा गन होगा, अब तीसरा क्या होगा, तीसरा जो होगा वो होगा स्नैक, ठीक है? ये तीन चीजें हमें मिलने वाली है, ठीक है? ये तीन चीजें मिलेंगी, इसी के बेसिस पे हम लोग स्क्रीन को क्या करेंगे, फिगर आउट कर रहे थे, ठीक है? ये डेलीमीटर ले लिया, अब हमने क्या बताया एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना देंगे, ठीक है? अब सॉरी ये मिल गया, अब हम ट्रेवर्स करते हैं। ट्रेवर्स करते हैं, हमने क्या बताया जब तक हमारी वाइल्ड लूप रहे, जब तक हमारी एस रहे, मतलब ये स्ट्रिंग है तब तक चले, ठीक है? कॉम्प्लेक्सिटी पे ध्यान मत दीजिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी अभी मैटर नहीं कर रहा, ठीक है? अब हमने क्या बताया इफ फॉर जो मेरा हो जाएगा वो किस में हो जाएगा, एक आई ले लेते हैं या फिर आई इन डी में हो, ठीक है? ठीक आई इन डी, ठीक है? ये कर लिया, अब हम स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट में डी में क्या मिला, सबसे पहले क्या मिला हमें वाटर मिला। अब वाटर को हमें क्या करना, वाटर को पिक करके हमें क्या चेक करना है किसमें, हमारे स्ट्रिंग में, ठीक है? तो हम क्या करेंगे इफ एक कंडीशन लिखेंगे, इफ जो स्ट्रिंग डॉट स्टार्ट विद एक फंक्शन होता है, ठीक है? स्टार्ट विद जो कि पाइथन में होता है, मैं आपको बता देता हूँ स्टार्ट विद मतलब क्या होता है, कि स्टार्ट विद जो होता है अगर सपोज कर हमारे पास डीबग विद शुभम दिया है, ठीक है? अब डीबग विद शुभम में हम स्टार्ट विद हमने क्या लिखा यहाँ पे वो लिख लेंगे, जो आई आई मतलब क्या आएगा मेरा, जो कि पहला वाटर आएगा, ठीक है? वाटर आएगा फिर गन आएगा, अगर मेरा इससे स्टार्ट हो रहा है तो बता देगा ट्रू, अदरवाइज वो फॉल्स बताएगा, ठीक है? बस ये चेक करने के लिए होता है स्टार्ट विद का फंक्शन, आप लोग चेकआउट भी कर सकते हो, ट्रू फॉल्स देगा, ठीक है? हमने क्या लिखा एस वाले स्ट्रिंग में स्टार्ट विद, अगर मेरा आई से स्टार्ट हो रहा है, अगर मेरा आई से स्टार्ट हो रहा है तो तुम क्या कर दो, तुम एक इसमें अपेंड कर दो, ठीक है? हाँ, अगर स्टार्ट हो रहा है तुम क्या करो एक लिस्ट बना दो, ठीक है? एक हमारे पास एक आंसर नाम का वेरिएबल बना दो, उसमें क्या कर दो, उसमें तुम डाल देना इसको, ठीक है? क्योंकि हम अगर बोल रहे थे स्टार्ट होगा तो हम उसको रख लेंगे, तो यहाँ पे answer dot a double p e n d append कर देंगे, किसको कर देंगे append, हमें append किसको करना है, ये मेरे जो पॉइंट है उसको करना है, डेलीमीटर को करना है, ठीक है? डेलीमीटर को हमने क्या कर दिया append कर दिया, ठीक है? अब जब हमने बोला था जब अपेंड कर दोगे तो इसका लेंथ निकालेंगे, ठीक है? क्योंकि अब हमें इसको छोड़ना है, इसके आगे ट्रेवर्स करना है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग क्या बोला, अब स्ट्रिंग जो मेरी कहाँ से स्टार्ट होगी, एस स्टार्ट होगी, एस में कहाँ पे जाएंगे, एस में एलियन ऑफ किसके डेलीमीटर का लेंथ निकालोगे, इसके बाद के लेके सारा, ठीक है? यहाँ से जो पांच होगी, पांच से लेके मतलब यहाँ पे जो होगी इसका लेंथ, मान लो हमें वाटर मिला, वाटर लेंथ कितनी पांच है, पांच से कॉलम मतलब पूरा, कुछ नहीं लिखो तो पूरा एंड तक लेगा, पांच से पूरा एंड तक स्ट्रिंग में क्या करोगे, अब हम इंड तक स्ट्रिंग में क्या करेंगे, इसको इसको हम इंड तक स्ट्रिंग में ट्रेवर्स करने वाले हैं, ठीक है? अगर मेरा ये हो जाए एक बार, एक एक के लिए ब्रेक कर दो, ठीक है? ब्रेक कर देंगे, ये सिंपल इतना। तो यहाँ पे देखो सिंपल क्या होगा, आपको ऐसा आएगा, फिर उसके बाद सॉरी आई में सबसे पहले वाटर आएगा, चेक करेगा, नहीं मिला ब्रेक किया, ठीक है? पहले स्नैक के लिए मतलब पहले के लिए नहीं मिला, पहले के लिए वाटर चेक करेगा, गन चेक करेगा, स्नैक चेक करेगा, बोलेगा कुछ मिलेगा, जो मिलेगा उसको यहाँ पे डालेगा, और उसको यहाँ पे चलो स्नैक मिला, स्नैक को ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब फिर अगेन नया स्ट्रिंग बना ना, वाटर गन स्नैक, ये नया स्ट्रिंग इसलिए हमने ब्रेक कराया है कि एक बार में यहाँ मिल जाए इसको तो ब्रेक कर दे, फिर अगेन न्यू स्ट्रिंग के लिए चालू करे, जो मेरा न्यू स्ट्रिंग है इसके लिए चालू किया, और ऐसे करते करते आएगा। अभी मैं इसको आप लोग को स्टेप बाय स्टेप करके भी दिखाऊँ क्या आउटपुट आ रहा है, ठीक है? यहाँ तक आ गया। अब जब मेरा यहाँ तक आया, अब हमने क्या बताया कि अब मेरा काम हो गया, मतलब 80% काम हो गया। अब सिंपली क्या लिखेंगे,
तो आंसर में मेरा कुछ स्टोर होगा, उस आंसर में हम ट्रेवर्स कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, एक लेंथ निकालेंगे, लेंथ किसका होगा मेरा, जो कि मेरा बताएगा आंसर का, ठीक है। इसी लेंथ में आप ट्रेवर्स करेंगे ना, क्योंकि हमारी ये लेंथ चार ही मिल रही थी यहाँ पे देखो, ठीक है, ये लेंथ मिल रही थी ना, इस लेंथ में हमें क्या करना है, इस लेंथ में हमें ट्रेवर्स करना है, ठीक है। तो हम ट्रेवर्स करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने, हमें लेंथ मिल गई, अब लेंथ में सीधे निकाल देंगे फॉर आई, या फिर फॉर जे ले लो, जे इन किस में जाओगे, जे इन रेंज, रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी, मेरी जीरो से स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाएगी, एंड तक जाएगी। अब अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो एक एक स्किप करेंगे, लेकिन हम ए और बी लेके चलेंगे, इसके वजह से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दो लेंगे, क्योंकि दो प्लेयर लेंगे, फिर हम उसको स्किप करेंगे, ठीक है, दो दो करके लिख स्टार्ट करके चलेंगे। अब हम यहाँ पे मेन काम करने वाले, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे क्या, जो मेरा, अब देखो सबसे पहले आई जे आया, ठीक है, जे मतलब क्या आएगा, जे एक वैल्यू होगी, वो हम आंसर वाले, मतलब जो मेरा आंसर वाले में स्टोर होगा उसकी पहली वैल्यू लेगा, अब उसकी दूसरी वैल्यू लेगा, उसके लिए क्या करेंगे, इफ मेरा आंसर के आई, अगर मेरा आंसर के आई इक्वल टू समथिंग हो, एंड चेक करोगे, या फिर मेरा जो आंसर का हो आई प्लस वन, ठीक है, आई प्लस वन इक्वल टू समथिंग हो। अब क्या समथिंग में हो वो मैं बता रहा हूँ, देखो हमें क्या चेक करना था, ये तीन कंडीशन इन्होंने बिठा था, स्नैक बीट वाटर, मतलब या तो स्नैक हो वाटर हो, मतलब अगर आई इक्वल टू क्या हो, स्नैक हो, ठीक है, और यहाँ पे ये इक्वल टू अगर मेरा वाटर हो, ठीक है, एक कंडीशन ये मिल जाएगी तुम्हारी, अगर ये हो तो एक काउंट रख लो, काउंट इक्वल टू वन कर देना, ठीक है, काउंट इक्वल टू वन कर देना, तो काउंट अभी हम रख लेंगे ऊपर, ठीक है, ये हो, या तो फिर अगेन हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तीन बार करेंगे, ठीक है, तीन बार करेंगे यहाँ पे इलिफ, ठीक है। अब एक बार स्नैक वाटर के लिए चेक कर लिया कंडीशन ट्रू थी, एक बार वाटर बीट गन, वाटर बीट गन, यहाँ पे वाटर बीट करेगा किसको, गन को करेगा, तब भी एक पॉसिबल केस बनेगा। तीसरा क्या था, गन बीट स्नैक, यहाँ पे गन बीट करेगा किसको, स्नैक को, ठीक है। ये तीन कंडीशन में तो हमारे काउंट क्या हो गए, हमारे काउंट जो है वो इंक्रीज कर जाए, ठीक है, काउंट इंक्रीज कर जाए, लास्ट में क्या कर दे, लास्ट में प्रिंट कर दे मेरा सी एन टी, ठीक है। अब सी एन टी काउंट को यहाँ पे तुम रख लो, यहाँ पे सी एन टी स्टार्टिंग में मेरे जीरो थी, अब इसको रन कराते हैं, आउटपुट दो आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आई हो ओके स्टार्ट विथ, थोड़ा सा सिली मिस्टेक था, बाकी कोड सेम है, मैंने आई और जे में थोड़ा सा गलती लिख दिया, देखो परफेक्टली टू आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टेस्ट केस जो आप लोग को दिया था, जो हमारे यहाँ पे दिया है उसको लेके रन कर लेते हैं, उसमें क्या दिया है, यहाँ पे देख सकते हो कहाँ गया, वाटर गन, वाटर वाटर गन वाटर, देखो वाटर गन, वाटर वाटर गन वाटर, ठीक है। इस केस में क्या था, इस केस में आउटपुट वन आना चाहिए, देखो परफेक्टली वन आएगा, ठीक है, देख सकते हैं परफेक्टली बनेगा। अब मैंने लास्ट में बताया आप लोग को क्लियर, मतलब वो भी बताएंगे कैसे कैसे वर्क कर रहा है। देखो स्टार्ट बिट जो होता है यहाँ पे, देखो अब आई देखना चाहते हो आप लोग क्या आ रहा है, सबसे पहले ये देख लो आई में यहाँ पे क्या क्या आएगा। अब आई में हमें ये तीन चीजें आनी चाहिए, देखो परफेक्टली ये तीन चीजें आएगी, देखो यहाँ पे आई में क्या क्या आएगी, देखो मैं दिखाऊंगा आप लोग को, देखो पहले वाटर आई, फिर गन आई, फिर वाटर आई, ठीक है। मतलब इस केस में देखो यहाँ पे पहले क्या आई, पहले यहाँ पे आई में वाटर आया, ठीक है, वाटर आया तो वाटर इसको मिल गया, ठीक है, वाटर यहाँ पे मिल गया, वाटर मिल गया, ये कंडीशन ट्रू हुई, इसके बाद इस कंडीशन में चली गई, फिर ब्रेक कर दी, जब ब्रेक कर दी तो ये वाटर वाली पोजीशन हट गई, अब अगेन स्टार्ट किया, ठीक है, अगेन स्टार्ट किया तो अब अगेन वाटर फिर से अगेन स्टार्ट हुआ, बोला वाटर मिला तो बोला वाटर, फिर अगेन इसलिए दो बार वाटर आया, ठीक है, एक बार वाटर आया बोला नहीं मिलेगा, फिर आगे जाएगा, तो इसके वजह से ये सारा कुछ है। अब देखो मैं अगर आपको स्टार्ट विद किया चेक करूँ, ये ट्रू और फॉल्स दिखेगा, देखना यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे अगर हम इसको प्रिंट करा दें, ठीक है, इसको प्रिंट करें कि क्या प्रिंट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंपली आपको पता चलेगा कि क्या क्या आ रहा है एकदम स्टेप बाय स्टेप। देखो यहाँ पे देखो वाटर मिला, सबसे पहले वाले केस में क्या मिला था, वाटर मिला था, अब बोला जैसे ये स्ट्रिंग थी मेरी वाटर से, तो डी आया वाटर, बोला वाटर मिल रहा है यहाँ पे, मतलब पहला तो बोला यस स्टार्ट विथ वाटर हो रहा है, तो पहले वाटर मिला तो बोला कि यहाँ पे देखो पहले वाटर मिला तो बोला यस ट्रू, नेक्स्ट ट्रू है, मतलब हाँ वाटर मिल रहा है, जब वाटर मिल रहा है तो अपेंड कर दिया लिस्ट में, और ये हमारी उतनी स्ट्रिंग। अब इसको भी प्रिंट करा के आप लोगों को दिखा देते हैं क्या आ रहा है। अब ऐसे देखो, देखो सिंपली अब स्टेप बाय स्टेप करके चलेंगे। देखो अब देखो सबसे पहले मेरी वाटर मिली, ट्रू हुई, हाँ वाटर मिल गई है। अब उसके बाद बाकी की स्ट्रिंग देखो, ये प्रिंट ऐसा करा, तीसरी लाइन जो ये हमने बोला एल आई से पूरा बच, मतलब वाटर छोड़ के देखो बाकी गन वाटर वाटर गन पूरा प्रिंट कर रहा है एक्सेप्ट पहला वाला वाटर, ठीक है। अब दूसरे के लिए अगेन, तो आई होप आप लोग को यहाँ पे दिख रहा हो कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये है एग्जैक्ट कोड इसका, तो पहला प्रॉब्लम यहाँ पे हो गई है डन। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो हमने एक्स्ट्रा स्पेस की बात करेंगे तो हमने ज्यादा लिया नहीं, बस ये तीन लेंथ की लिया है क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट एक कॉन्स्टेंट ही है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज्यादा लग गई है, एक लूप ट्रेवर्स करे फिर ये करे कंडीशन ऑलमोस्ट एन स्क्वायर या एन क्यू के अराउंड लगी है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बच जाइए, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा था,
तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम को करते हैं कंप्लीट। अब मूव करते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ, सॉल्यूशन सी प्लस प्लस जावा दोनों मिलेगा, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम क्या कह रहा है उस पे आते हैं हम लोग। देखो सेकंड प्रॉब्लम को देखो, सेकंड प्रॉब्लम भी बहुत सिंपल है, मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम थोड़ा ट्रिकी है। देखो क्या बोला यहाँ पे, मिनिमम यूनिट, ये क्वेश्चन का नाम है मिनिमम यूनिट करके। यहाँ पे दिया टॉम जो है वो रन कर रहा है एक जूस शॉप को, एक जूस शॉप, एक टॉम नाम का बंदा उसके पास जूस शॉप है। मैं क्वेश्चन कैसे बताता, ठीक है, जूस शॉप है उसके पास, दो टाइप की मशीन है, मतलब जो उसके जूस बनाने वाली मशीन है वो दो टाइप की है। पहला मशीन का नाम दिया है एम, दूसरा मशीन है एन। तो जो उसने बोला जो एम वाली मशीन है ना, जो बहुत बड़ी मशीन है, वो एक बार में 100 कस्टमर के लिए जूस दे सकती है, और जो एन वाली मशीन है वो एक बार में 4 कस्टमर के लिए दे सकती है जूस, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि एम कंज्यूम कर रहा है एक्स यूनिट, जो एम है ऑब्वियसली बड़ी मशीन है तो कंज्यूम करेगा यूनिट ज्यादा, ठीक है, ज्यादा पावर लेगा। तो उसके लिए जो यूनिट आ रही है वो एक्स यूनिट आ रही है बड़े वाले मशीन के लिए, छोटे वाले मशीन के लिए जो यूनिट आ रही है वो वाई यूनिट आ रही है, ठीक है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट आप हमें कुछ कस्टमर दें, सपोज करो यहाँ पे कस्टमर हमारे पास 5 है, तो उन 5 कस्टमर को हमें जूस देना है, तो मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट कितने लगेंगे, ठीक है, वो बताने इसको को, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टॉम मशीन ये दिया, मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट इज पावर टॉम्स मशीन विल बी कंज्यूम टू सर्व पी कस्टमर, हमारे पास पी कस्टमर कुछ भी दे सकते हैं, ही कैन रन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एम एंड एन, कुछ भी रन कर सकता है, मतलब केवल एम को दे सकता, मतलब केवल पहली मशीन को रन करके भी दे सकता है, कि दूसरी मशीन को भी केवल रन करके सकता है, बाकी दोनों को कंबाइन करके भी दे सकता है, एम और एन दोनों को मिला के भी दे सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो सिंपल इनपुट दे दिया, पी दे दिया कस्टमर दे दिया, ये दिया एम वाला, और ये दिया बड़े मशीन का ये पावर दिया और दूसरे मशीन का पावर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली आप लोग देख पाओगे, यहाँ पे थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं क्वेश्चन को, आई थिंक थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा। देखो एन जो है वो 9 कस्टमर है हमारे पास, और बड़े वाली मशीन की यूनिट 40 आ रही है, छोटे वाली मशीन की यूनिट 8 आ रही है, ठीक है। आउटपुट जो है 24 है, ये नीचे एक्सप्लेनेशन है, मैं इस पर थोड़ा ध्यान नहीं दूंगा, मैं खुद आप लोगों को समझाऊंगा क्या कह रहा है ये, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला था वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, इसने बोला था हमारे पास कस्टमर है, कस्टमर कितने हैं अभी, कस्टमर देखो इस बंदे के पास 9 कस्टमर आए। अब जो है पहला बड़ी वाली मशीन एक्स ले रहा है, वो उसको चलाएगा 100 लोग को देगा, लेकिन यूनिट जो लगेगा वो 40 लग जाएगा, ठीक है। वाई वाले को चलाएगा तो बोलेगा भाई वाई वाले को चलाएंगे तो 4 ही यूनिट लगेगा, ठीक है, 8 यूनिट लग रहा है। वाई वाले को चलाएगा तो बोला कि वाई वाले को चलाने पे मेरे पास 8 यूनिट लग रही है, तो तुम्हें बताना है कि मिनिमम किसको लगेगी। तो देखो अभी हम इस क्वेश्चन को छोड़ो और समझते हैं। देखो एक चीज बताओ आप लोग कि हमारे पास जो ये क्वेश्चन है, यूनिट कब डिवाइड करेंगे, ठीक है, यूनिट कैसे डिवाइड होगी, हमें पता चलना चाहिए। सबसे पहले हम बड़े पावर के लिए निकालेंगे, फिर छोटे के लिए। तो हमें एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप लोग कि देखो यार ये पता चलेगा कि ये छोटे मशीन के लिए ये कितने लोग को सर्व करेगा एक बार में, 4 लोग को करेगा, ये कितने लोग को करेगा, 100 लोग को करेगा। तो हमारे पास पीपल कितने हैं, वो पीपल जो है 9 है। तो अगर हम एक चीज आप लोग सिंपली सोचो कि 4 लोग को जब ये कर रहा है तो तब तक ये ऊपर नहीं बढ़ेगा जब तक ये इसके ऊपर ना जाए 40 यूनिट के पास, ठीक है, 40 यूनिट के पास। तो 4 कितने ऐसे कस्टमर होंगे, सोचो हमारे पास कस्टमर कितने होंगे, अगर हमारे पास कस्टमर हो जाएंगे, देखो अगर हमारे पास 20 कस्टमर होंगे अभी के लिए, 20 कस्टमर होंगे तो क्या 20 कस्टमर को ये पिलाएगा कि ये पिलाएगा। देखो यार ये 8 यूनिट ले रहा है 4 कस्टमर के लिए, 4 × 5 = 20, 5 बार लेगा, 4 × 5 = 20, 5 बार लेगा मतलब 8 × 5 = 40 यूनिट लगेगा इसको, इस 200 कस्टमर को पिला देगा। अगर इसको भरेंगे सेम ही लग रहा है, ठीक है, चलो 19 लेके चलते हैं, 19 लेके चलेंगे तो हम ये बताने की कोशिश करें 19 लेके चलेंगे तो किसमें क्या होगा। अब देखो 19 लेके चलेंगे तो ये 8 यूनिट ले रहा है 4 कस्टमर के लिए, 16 यूनिट लेगा 8 कस्टमर के लिए, ठीक है। अब 8 कस्टमर के लिए 16 यूनिट लिया, 16 कस्टमर 16 कस्टमर के लिए कितना लेगा, 32 यूनिट, जस्ट डबल ले रहा है, ठीक है, जस्ट डबल ले रहा है। मतलब अगर मैं बताऊं 19 ले रहा है, 19 कस्टमर है तो एक कस्टमर पे 2 रुपए लग रहा है, मतलब ऐसे 2 यूनिट लग रहा है, तो 19 दुना के 38 हो गया, 38 हो गया, तो 38 यूनिट लगेगा अगर मैं इसको रन कराऊंगा तब, ठीक है। कितनी बार रन कराना पड़ेगा, 8 × 8 एक बार में 8 हुआ 4 कस्टमर पिए, फिर 8 हुआ फिर 4 पिए, फिर 8 हुआ फिर 4 पिए, फिर 8 हुआ फिर 4 पिए, ऐसे करते हुए 8 × 5 = 40, ठीक। आई थिंक हम ये चीज कुछ आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कौन सा मिनिमम कब लगे, कब हम मतलब मैक्स वाले को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज एक ऑब्जर्वेशन हमें ये दिख गई इस प्रॉब्लम को, ठीक है। तो अभी के समय में देखो हमारे पास कितनी है, यहाँ पे हमारे पास 9 कस्टमर है, तो अब हमें 100 में जो है ये 40 यूनिट ले रहा है, 100 लोग को पिला रहा है, तो क्या फायदा है इससे, बोलेगा नहीं भाई हमारे पास, हम देख रहे हैं कि तुमसे जो 40 यूनिट ले रहा है उससे तो अभी कमी है, तो हम क्यों ना मिनिमम में ट्राई करेंगे, मिनिमम जो 8 ले रहा है, तो अगर हम एक के लिए एक बार मशीन चलाएंगे 4 लोग को दिला देंगे, 4 लोग को जूस पिला देंगे, फिर दोबारा चलाएंगे फिर 4 लोग को पिला देंगे, 8 कस्टमर को हमने 2 बार में पिला दिया, हमारे पास 16 यूनिट ही होगी, मतलब 8 × 16 यूनिट लगी।
तीसरी बार अगेन चलाएगा, तीसरी बार चलाया 24 हुई, 24 यूनिट लगी और एक बंदा बचा था उसको दे दिया, मतलब पहले चार को दिया फिर चार को दिया फिर मतलब तीन बार चलाया 24 यूनिट बस बिजली लगी और ये इसने सर्व कर दिया। ठीक है, अब ये बोला गया कि हमारे पास कस्टमर नहीं थे, अब बड़े वाले को चलाने का मतलब ही नहीं बनता था, क्योंकि क्यों नहीं बनता था, क्योंकि यार ये 40 ऑलरेडी ज्यादा यूनिट लग रहा है, हमें उससे मिनिमम में मिल गया। ठीक है, कुछ थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आपको दिखेगा। देखो सिंपल हम ये बोले, सबसे पहले हमें तीन चार चीजें फाइंड करनी पड़ेगी। एक तो ये फाइंड करनी पड़ेगी हम सबसे बड़ा वाला कब लगाएंगे, वो फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। सपोज करो हमारे पास यहाँ पे, अगर हमारे पास देखो हमारे पास अगर 110 होते, 110 पीपल होते, 100 कितना, 110 पीपल होते, तो क्या 110 पीपल के पास हम मिनिमम लगाएंगे मैक्सिमम, यहाँ पे देखो कैसे पता चलेगा। तो इतना तो पता चल गया कि हमें एक बार तो मैक्सिमम लगाएंगे, मैक्सिमम कैसे लगाएंगे, अब सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर देते हैं 10 से, 100 से डिवाइड कर देंगे तो एक बार में हुआ। चलो एक बार हमने डिवाइड कर दिया, एक बार मिला, बाकी एक बार हम स्टोर करके इसके रिमाइंडर को रख लेंगे, कितना बचा, 10 बचा। अब इसमें हम मैक्सिमम लगा देंगे, इसमें मिनिमम लगा देंगे, ठीक है, मतलब इसमें हम एक्स वाली वैल्यू लगा देंगे इसको, तो इसलिए कंबाइन को भी लेकर चलेंगे। तो थोड़ा सा हम कोड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि पूरे मैथमेटिक चीज है यार, आप लोग सोचोगे तो कर लोगे। देखो कोड लिख रहेगा बहुत इजीली से, यहाँ पे वेरिएबल ने मैं अच्छे से लिखा है ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो यार यहाँ पे हमने क्या लिखा, सबसे पहले यूज़ बिग मशीन, अगर हम बड़े मशीन को यूज़ करेंगे तो पी मॉडुलो पी डिवाइडेड बाई 100 निकालें। क्यों निकालें, क्योंकि देखो हमने ये बोला था ना आपको कि हमारे पास सोचो 110 कस्टमर है, 110 कस्टमर के लिए हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि कंबाइन भी यूज़ कर सकते हैं, तो 110 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो एक बार हुआ, तो हमें पता चल गया कि हम लोग बड़ा मशीन एक बार यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम लोग निकाले कौन सा मशीन कब यूज़ करेंगे, तो बड़ा मशीन तो एक बार यूज़ करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अब एक बार यूज़ कर लिया, 100 कस्टमर मिल गए, अब बाकी के जो कस्टमर बचे अब हमें कैसे पता चले कितने कस्टमर बचे, तो यहाँ पे वही हमने निकाला रिमेनिंग कस्टमर कितने बचे हैं, रिमेनिंग कस्टमर के लिए मॉडुलो कर देंगे, मॉडुलो से हमने रिमेनिंग कस्टमर निकाल लिया, ठीक है। अब रिमेनिंग ये 100 होगा, ठीक है, यहाँ पे हाँ ये 100 होगा, ठीक है, इससे हम लोग रिमेनिंग कस्टमर निकालेंगे, हमारे पास 10 का रिमेनिंग कस्टमर बचे हैं। अब ये रिमेनिंग कस्टमर पता चलेगा 10 बचे हैं, और ये अब हम बता दें कितने पावर यूनिट लग रहा है हमें, बड़ा मशीन यूज़ करेंगे, ठीक है, पावर है मतलब बड़ा मशीन यूज़ करेंगे, तो यूज़ बिग मशीन, ठीक है, बड़ा मशीन को यूज़ किया, अब मल्टीप्लाई बाई एक्स, क्योंकि उसका एक्स जो है वो एक्स कितना था हमारे पास, एक्स यहाँ पे हमें मिल रहा है ना 40 यूनिट लग रहा है, ठीक है, तो बड़े मशीन को यूज़ करने पे हमें 40 लग रहा है, मतलब 40 यूनिट हमने यूज़ कर लिया है अभी तक 100 के लिए, अभी 10 कस्टमर बचे हैं, ठीक है, 10 कस्टमर रिमेनिंग है, तो यहाँ पे पावर एम रिमेनिंग जो है यहाँ पे एक्स, एक्स में पता चलेगा ना 10 कस्टमर और रिमेनिंग है, ठीक है, ये चीज़। अब देखो पावर एन रिमेनिंग, ठीक है, अब यहाँ पे पावर एम रिमेनिंग के लिए, एम मतलब बड़े वाले मशीन के लिए रिमेनिंग निकाल दिया, अब पावर एम रिमेनिंग 10 हमारे पास जो बचे हैं कस्टमर, क्योंकि 100 के लिए तो हमने यहाँ पे फाइनल कर लिया है, ठीक है, अब 10 के लिए हम यहाँ पे दो केस सोच रहे हैं कि हमें पास एक बड़ा मशीन लगेगा कि छोटा मशीन लगेगा, तो बड़े मशीन के लिए हमारे पास 40 यूनिट लग रही है, ठीक है, अब छोटे मशीन के लिए कैलकुलेट करते हैं कितनी लगेगी। अब देखो मैथ डॉट सेल वैल्यू निकाल लिया, रिमेनिंग कस्टमर कितने 10 मिले हैं, अब 10 मॉड डिवाइडेड बाई 4 करेंगे कितनी बार में जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 4 करो 2 पॉइंट समथिंग में जाएगा, ठीक है, उसकी सेल वैल्यू लेंगे, ठीक है, कि दो बार लिया मल्टीप्लाई बाई वाई की यूनिट से कर देंगे। अब देखो सपोज करो कि एक्स ये रिमेनिंग कस्टमर बचे थे हमारे पास, कुछ रिमेनिंग कस्टमर 10 बचे थे, अब 10 के लिए एक बार मशीन चलेगी तो ऑलरेडी फिर अगेन 40 लग जाएगी फिर अगेन। अब हम वाई के लिए निकालेंगे जब यहाँ पे, तो कुछ भी कस्टमर बचा होगा, ठीक है, एक बार मशीन चलाएंगे अब जितने कस्टमर उसके अकॉर्डिंग चलेगा ना। अब यहाँ पे निकाला हमारे पास 10 बचे थे, तो हमें सील वैल्यू निकाली, ठीक है, फ्लोर वैल्यू नहीं सील वैल्यू निकाली, मतलब 2 पॉइंट समथिंग है का मतलब 3 नहीं है, 3 मल्टीप्लाई बाई वाई, वाई मतलब कितना लग रहा था इसको, वाई मतलब यहाँ पे देखो 8 लग रहा था, 8 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना, 24, ठीक है, कहाँ पे लिख दिया यार मैंने, हाँ यहाँ पे 24 मिला। अब हमें ये मिल गया यहाँ पे 24, तो बोला कि इन दोनों में मिनिमम चेक करेंगे कौन सा मिनिमम है, ठीक है। अब देखो यही टोटल पावर यूज बिग मशीन, टोटल पावर यूज स्मॉल मशीन, बिग मशीन के लिए क्या निकाला, ये टोटल पावर निकाले थे इतना हमें मिला था बिग मशीन के लिए, प्लस पावर मशीन रिमेनिंग इतना था, इसको जो ऐड कर दिया प्लस, जो कि क्योंकि इतना तो हमने कैलकुलेट कर चुका हूँ, ठीक है, इसके बाद कैलकुलेट करना, इसको कैलकुलेट किया अब प्लस जो हमारे पास पावर मशीन रिमेनिंग वाई से एम से आई थी बड़े वाले मशीन से, और जो छोटे हम निकाले मिनिमम निकाले, मैं जो मिनिमम है यहाँ पर रन करा देते हैं, रन कराने के बाद देखो 24 मिनिमम आ जाएगा, यहाँ पे देखो 24 मिनिमम आ गया, ठीक है, क्योंकि मिनिमम कैसे निकाला, इसका और इन दोनों का मिनिमम, एक 40 मिला था एक 24 मिला था, इन दोनों का मिनिमम निकालने पर 24 है, जो मिनिमम लगा वो बता दिया, ठीक है। तो ये है पूरा टोटल, तो बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। ऐसे और वीडियो के लिए मैं एक दो दिन में अगेन दो प्रॉब्लम और सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन पेपर जो मिलेगी लेटेस्ट वाली, ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, लिंक्डइन पे भी, ठीक है, बाकी मिलेंगे कल आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।